नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बैंकिंग हिल चैनल में। जहां पे मैं जाता हूं वहीं पे आता है इंस्टेंट अप्रूवल के साथ पर्सनल लोन की एड, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या फिर यूट्यूब हो गया। जब भी मैं खोलता हूं ना तभी ये ऐप आता है। देखिए, पर्सनल लोन से आप अपनी जरूरतों पूरी कर ही सकते हैं, लेकिन पर्सनल लोन की कुछ ऐसे पहलू है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल लोन आपके लिए सही है या नहीं, और साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको देने वाला हूं कुछ अपनी सजेशंस या टिप्स जिससे आपको पर्सनल लोन लेते वक्त मदद मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब इमरजेंसी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आती है तब हम लोग सीधा जाके पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं और पर्सनल लेके अपनी जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जब आप पर्सनल लोन को अवॉइड कर सकते हैं और कम इंटरेस्ट रेट पे दूसरा कोई लोन लेके जरूरत को पूरी कर सकते हैं। तो पहले जान लेंगे कि पर्सनल लोन की फायदा क्या है, यानी कि कौन कौन से सिचुएशन पर्सनल लोन बेस्ट होता है। पहले बात आते हैं क्विक सैंक्शन। जब भी आपको इमरजेंसी जरूरत पड़ता है ना तब पर्सनल लोन एकदम सेफ हेयर की तरह होता है, क्योंकि पर्सनल लोन आपको क्विकली सैंक्शन हो जाता है। 2 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होके सैंक्शन होके पैसे खाते में आ जाते हैं। और अब तो मोबाइल ऐप से आप इंस्टेंटली प्री अप्रूव लोन में अप्लाई करके 10 मिनट के अंदर पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो पहला जो फायदा है कि क्विक सैंक्शन, अगर आपको इमीडिएट पैसे की जरूरत है, बहुत अर्जेंसी है, तब पर्सनल लोन एक बेस्ट ऑप्शन है। और पर्सनल लोन के अलावा जितने भी सारे लोन है सब में टाइम लगता है लोन सैंक्शन होने में, लोन प्रोसेस होने में, और फाइनली कुछ देर बाद लोन आपको मिलता है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो पर्सनल लोन सबसे फास्ट प्रोसेस होता है और सबसे फास्ट आपको इस लोन से पैसा मिलता है। नेक्स्ट जो फायदा है पर्सनल लोन का वो है मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। जाहिर सी बात है क्योंकि पर्सनल लोन बहुत तेजी से सैंक्शन होता है, बहुत जल्दी सैंक्शन होकर आपके खाते में आता है, तो डॉक्यूमेंट जो आपको देना होता है बहुत कम देना होता है। मेनली आधार और पैन कार्ड और आपकी सैलरी के बेसिस पे ये लोन सैंक्शन किया जाता है। तो मेनली जो लेंडर जो है होता है, यानी कि बैंक कस्टमर की आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसकी सिविल और साथ ही साथ उसका सैलरी चेक करता है। अगर सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है तो इमीडिएटली लोन सैंक्शन करके बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन करवा के लोन डिसबर्स कर देते हैं, यानी कि लोन जो है कस्टमर के अकाउंट पर डाल देते हैं। इस लोन अप्लाई करते वक्त कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए गोल्ड लोन ले रहे हैं बैंक से तो आपको बैंक में गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है। अगर आप कार लोन ले रहे हैं तो कार की हाइपोथिकेशन करनी पड़ती है बैंक के नाम पे। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी जो होगा वो मॉर्गेज होगा बैंक के नाम पे। लेकिन पर्सनल लोन पे ऐसा कुछ सिक्योरिटी बैंक में देने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, बिना सिक्योरिटी के आपको लोन मिल जाता है। और आता है कि गारंटी भी यहाँ पे मतलब जरूरत नहीं पड़ता है, कोई गारंटर इस लोन पे पर्टिकुलरली पर्सनल लोन पे जरूरत नहीं पड़ता है, यानी कि किसी को भी गारंटी एज ए गारंटी आपको बैंक के सामने प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी फायदा ये है कि ये लोन मल्टीपर्पस लोन है, यानी कि किसी भी पर्पस के लिए आप बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं, और उस लोन को जिस कारण के लिए आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसका प्रूफ बैंक में देने की जरूरत नहीं होता है। नॉर्मली बैंक क्या करता है, जब कार लोन सैंक्शन करता है ना तो बैंक उस लोन अमाउंट को डीलर को भेजता है। अगर आप मॉर्गेज करके लोन लेते हैं या फिर होम लोन लेते हैं तो सिर्फ वो पैसा बिल्डर को जाएगा, या फिर होम कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे ही वो अमाउंट खर्चा की जाएगा। तो इसका प्रूफ भी बैंक मतलब लेते हैं या फिर इंस्पेक्शन करते हैं, या फिर बिजनेस लोन में भी सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए लोन दिया जाता है। लेकिन जो पर्सनल लोन बैंक देते हैं ना उसका कोई प्रूफ कस्टमर से नहीं मांगता, इनडायरेक्टली कस्टमर कहीं पे भी ये पैसा खर्चा कर सकता है और इसके लिए बैंक को कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी फायदे है। और एक फायदा है, मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आप ज्यादा इंटरेस्ट देके पर्सनल लोन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और उस लोन को धीरे धीरे से चुका के लोन को क्लोज कर सकते हैं। इससे आपके सिविल स्कोर का इम्प्रूवमेंट होगा, सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, ये भी एक फायदा है पर्सनल लोन का। तो पर्सनल लोन की फायदा तो मैंने आपको बता दिया, अब बताते हैं पर्सनल लोन की नुकसान क्या है। पहली बात तो यह है कि पर्सनल लोन बहुत ही एक्सपेंसिव लोन है, यानी कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है काफी महंगा होता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि होम लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसके हिसाब से 3 से लेकर 10% ज्यादा में पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट बनता है। मान लीजिए एक सेम आदमी होम लोन अगर उसको 8.5% में मिलता है, अगर वही कस्टमर पर्सनल लोन लेता है बैंक से तो उसको कम से कम 13% में स्टार्टिंग होगा या 20% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर्सनल लोन उसको बैंक से मिलेगा।
और यहाँ पे है ना वेरिएशन भी बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए कि कोई किसी कस्टमर का प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। अगर डिफॉल्ट है, सिबिल स्कोर में कुछ डिफॉल्ट है, राइट ऑफ है या फिर ओवरड्यू है, तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा काफी ज्यादा चार्ज किया जाता है। दूसरी बात, और मैक्सिमम टाइम पे रिजेक्ट भी हो जाता है ये लोन। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो वेरिएशन होता है ये बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए मिनिमम अगर 13% से स्टार्ट होता है पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट, मैक्सिमम 25% तक भी जाता है। लेकिन होम लोन या फिर कार लोन या फिर अगर आप दूसरा कोई लोन की बात करें, चाहे गोल्ड लोन हो गया, उसमें उतना वेरिएशन नहीं होता है। मान लीजिए एक 8.5 से स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम उसका 9.5 तक जाएगा, 10% तक जाएगा, तो वेरिएशन जो है ना यहाँ पे कम होता है। लेकिन पर्सनल लोन के केस में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है इंटरेस्ट रेट के, और ये वेरिएशन डिपेंड करता है कस्टमर की प्रोफाइल के ऊपर, कस्टमर की मंथली सैलरी कितना है उसके ऊपर, और कस्टमर की सैलरी अकाउंट कहाँ पे है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और फाइनली सिविल स्कोर के ऊपर। और एक चीज, इस पर्सनल लोन पे प्रोसेसिंग फी भी बहुत ज्यादा होता है। प्रोसेसिंग फी के अलावा कई सारे चार्जेस रहता है पर्सनल लोन पे, जैसे हो गया EMI बाउंस चार्जेस, लेट फी, पेनल्टी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, और भी कई सारे चार्जेस हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पर्सनल लोन आप बैंक से भी ले सकते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, या फिर कई सारे ऐप्स आजकल आ चुके हैं, उस ऐप से भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि बहुत सारी प्राइवेट बैंक या फिर ऐप से लिए गए लोन पे फोरक्लोजर अलाउड नहीं होता है। यानी कि आप जब लोन ले रहे हैं, लोन लेके अपनी जरूरत पूरी कर लिए, और उसके बाद मान लीजिए आपके पास पैसा आ गया तो लोन की जरूरत नहीं है, लोन आप क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन उन सब बैंक्स या फिर ऐप्स आपको लोन समय से पहले क्लोज करने नहीं देगा। और कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि हाँ आपको अलाउ तो करेगा फोरक्लोज करने के लिए, लेकिन उस पर एक पेनल्टी या चार्जेस लगाता है, फोरक्लोजर चार्जेस। तो यहाँ पे भी एक चीज जो है आपको नोट करना है कि फोरक्लोजर चार्जेस कहाँ पे कितना है और कहाँ पे अलाउ करता है, कहाँ पे नहीं करता है, तो लोन लेते वक्त ये आप जरूर चेक करें। अब बात करते हैं और एक नुकसान की। पर्सनल लोन जब दिया जाता है ना तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होता है। यानी कि जब बैंक कस्टमर को पर्सनल लोन देता है तो उसकी जो क्राइटेरिया है वो एकदम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एक क्राइटेरिया हो गया सिबिल स्कोर, आपकी सिबिल स्कोर बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ही बैंक आपको पर्सनल लोन देते वक्त कंसिडर करेगा। सिबिल स्कोर अगर उतना ठीक नहीं है तो हो सकता है कि लोन ही रिजेक्ट हो जाए। दूसरी बात कि वो उसका एक मिनिमम मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपका इनकम उस मिनिमम मंथली इनकम से ज्यादा है तो ही आप पर्सनल लोन के लिए उस बैंक में, पर्टिकुलर बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिमम इनकम बैंक टू बैंक वैरी करता है या फिर ऐप टू ऐप वैरी करता है। तो आपको अभी ओवरऑल पर्सनल लोन की एक व्यू पता चल गया, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब पर्सनल लोन में किस तरह का फायदे मिलता है, किस तरह का उसमें नुकसान है, क्या क्या कौन से या प्रोज है, ये तो पता चल गया है। अब आपको मैं कुछ अपनी सजेशंस देना चाहता हूँ कि आप किस तरह से अपनी पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। पहली बात तो है कि जहाँ पे आपका सैलरी अकाउंट है, यानी कि चाहे वो प्राइवेट बैंक में हो या फिर कोई PSB यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक में हो, आप कोशिश कीजिए पर्सनल लोन उसी बैंक से लेने की। तो उससे क्या होगा कि बैंक को पता है कि ये उस बैंक की सैलरीड कस्टमर है, तो जब वो बैंक आपको लोन देगा वो नॉर्मली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है। तो और प्रीफर कीजिए जब आप पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं तो पहले PSB में अप्लाई करें, फिर उसके बाद प्राइवेट बैंक में अप्लाई करें, और अगर वहाँ पे भी अगर आपको थोड़ा हिचक है लोन अप्लाई करते हो, तब आप लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए आपकी ऐप से लोन लेना, क्योंकि ऐप्स में जो लोन होता है उसमें नॉर्मली काफी महंगे रेट में पर्सनल लोन कस्टमर को दिया जाता है। तो बेसिकली लोन, पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले आप हर एक बैंक की वेबसाइट में जाके उसकी इंटरेस्ट रेट चेक जरूर कर ले और कंपेयर कर लीजिए कि कहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन आपको मिल रहा है, वहीं पे आप बैंक में, बैंक हो या ऐप हो, वहां पे जाके आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब दूसरी चीज ये है कि आपको किस लिए लोन चाहिए वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए बैंक में कई सारे लोन अवेलेबल है, पर्सनल लोन के अलावा भी बहुत सारे लोन होते हैं, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, या फिर कार लोन। मान लीजिए आपको कार खरीदना है 5 लाख की या 10 लाख की, और आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन तो महंगाई है। अगर उसकी जगह अगर आप कार लोन के लिए बैंक में अप्लाई करते हैं ना, तो
कार लोन में आपको काफी कम रेट में लोन मिल जाएगा, या फिर आप अगर होम लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप होम लोन के लिए ही बैंक में अप्लाई कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि होम लोन में या फिर कार लोन में थोड़ा डॉक्यूमेंट आपको बैंक में ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन फाइनली फायदा आप ही का है, क्योंकि लोन लेने के बाद ईएमआई तो आप ही को चुकाना है। तो जब आप ईएमआई खुद ही चुकाएंगे तो एक बार आप पता कर लीजिए कि कहाँ पे क्या इंटरेस्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि पर्सनल लोन में, जैसे कि मैंने बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% से स्टार्ट होता है, वहीं पे अगर कार लोन के लिए आप जाते हैं तो 9.5% या फिर 9% से स्टार्ट होता है, होम लोन के लिए जाते हैं तो 8.5% से स्टार्ट होता है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डे टू डे चेंज होता रहता है। तो जब आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उससे पहले आप एक वेबसाइट में जाके एक बार चेक कर लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। और फाइनली अगर मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आपकी आ गई है कि आपको पर्सनल लोन लेना ही है, तो आप कोशिश कीजिए कि वो लोन कम से कम जितना अमाउंट होगा उतना ही लीजिए। मतलब अगर आपकी 4-5 लाख की रिक्वायरमेंट हो तो 4-5 लाख ही लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लीजिए। तो शॉर्टर लोन, शॉर्टर रिक्वायरमेंट के लिए आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जब आप पर्सनल लोन ले रहे हैं ना, तो उसको ड्यूरेशन भी आप कम करके लीजिए, यानी कि लोन को लंबा खींचना नहीं है। मैक्सिमम कोशिश कीजिए 3 साल या 4 साल के अंदर पर्सनल लोन को क्लोज करने की। इससे क्या होगा, आप ढेर सारा इंटरेस्ट कम कर सकते हैं, यानी कि सेव कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर आपको बहुत अर्जेंटली लोन की ज़रूरत है तभी आप पर्सनल लोन अप्लाई कीजिए बैंक में। और चौथी बात, लास्ट जो है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड पे लोन है या लोन है, तो एक पर्सनल लोन लेके आप क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो चुका सकते हैं। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा होता है, तो पर्सनल लोन नॉर्मली क्रेडिट कार्ड से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो पर्सनल लोन लेके आप क्रेडिट कार्ड का लोन जो है वो चुका सकते हैं। तो उससे भी आपको फायदा है, यानी कि इंटरेस्ट का सेविंग्स होगा। मतलब बेसिक रूल यही है कि जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन है उसको पहले आप क्लोज करने की कोशिश कीजिए, और लोअर लेवल वाला जो इंटरेस्ट रेट वाला लोन है वो आप बाद में अभी क्लोज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया है कि पर्सनल लोन की नुकसान क्या है, पर्सनल लोन की फायदे क्या है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।